सीपीआरओ ने कहा कि 4940 करोड़ की लागत से 240 किलोमीटर सृजित होगा रेल लाइन, वर्ष 2024-25 में होगा कार्य पूरा। बहराइच से खलीलाबाद के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक नई रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर और लागत 4940 करोड़ रुपए की होगी, जिसको पूरा होने की अवधि वर्ष 2024-25 निर्धारित की गई है। इस नए रेलवे लाइन से 58 लाख कार्य दिवस का रोजगार सृजित होगा और कैबिनेट द्वारा पारित किए गए इस रेलवे लाइन के संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ संजय यादव ने बताया कि ये रेलवे लाइन बहराइच से बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर जनपदों से होते हुए भिनगा, श्रीवास्तवी, उतरौला, डुमरियागंज, मेहंदावल होते हुए खलीलाबाद तक जाएगी। इसके निर्माण से पूर्वांचल के 4 पिछड़े जिलों के लोगों को राहत मिलेगी, उसी के साथ विदेशी पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा, सीपीआरओ संजय कुमार यादव ने बताया। कुछ रेल लाइन नहीं, बहराइच से खलीलाबाद ये 240 किलोमीटर की एक नई रेल लाइन कैबिनेट ने अप्रूव की है। इस पर 4940 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसको कंप्लीट करने का टारगेट जो है 2024-25 रखा गया है, तो कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद इसके डिटेल एस्टिमेट्स बनेंगे, सैंक्शन होंगे, उसके बाद फिर इसमें ज़मीन अक्वायर की जाएगी, अधिग्रहण जो ज़मीन का होता है वो अधिग्रहण किया जाएगा और उसके बाद फिर इस पर फिजिकल काम शुरू होगा। इसका जो अभी लक्ष्य रखा गया है वो 2024-25 रखा गया है। कितनी सुविधा मिलेगी जनता को? देखिए, ये लाइन जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इस दिशा से है कि विदेशी पर्यटक और जो देशी पर्यटक जो आते हैं उनके लिए बहराइच से शुरू होके फिर ये लाइन जो है भिनगा जाएगी, भिनगा के बाद फिर ये श्रावस्ती जो कि बहुत बड़ा बौद्ध जो है पिलग्रिम सेंटर है, तो वहाँ उसके लिए जो है ये लाइन जो है कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। उसके बाद ये फिर उतरौला होते हुए और उसके बाद डुमरियागंज होते हुए मेहंदावल होते हुए ये खलीलाबाद पहुँचेगी लाइन। तो इससे न केवल जो रिलीजियस टूरिज्म जो है, रिलीजियस जो हमारे जो तीर्थयात्री हैं उनको सुविधा होगी, बल्कि जो पिछड़े उत्तर प्रदेश के जो 4 पिछड़े हुए ज़िले हैं जिसमें कि बहराइच, बलरामपुर और जिसमें श्रावस्ती भी है और उसके बाद डुमरियागंज और फिर जो है संत कबीर नगर, ये जो है इन जनपदों में ये काफ़ी पिछड़े हुए जनपद हैं, इनमें भी रेल कनेक्टिविटी होने से भी इनका सोशल और इनका जो आर्थिक विकास होगा।